आपका आज की वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है ओरिजिनल वर्सेस सैंपल्ड सॉन्ग्स व्हिच वर कॉपीड सैंपल्ड फ्रॉम इंडियन सॉन्ग्स। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर और फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, चोली के पीछे का है, चोली के पीछे। Point out the bounce and show you how to get this going. Large amounts so it's hard to count. चोली के पीछे गाना लगाया तो है। बागों में बहार है। My unit is gorilla with my life familiar. I will. Oye twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Oye twinkle twinkle twinkle. Background में गाना। I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted. Show you how we top the hit list rock. Dil se laaye chahat ka na maine bujhne di. Dil se laaye chahat ka na maine bujhne Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. Yes, one man, one mission, and one mind. With one button, one push, only one. You feel it in the street that people breathe without hope. They're going through the motion, they're dimming down the focus. The focus. Why they call a very, call a very, call a very deep. Jersey and an old mama necklace. Outside Benz. I need to feel how much music with. Call a very deep. These niggas trying to see how I come at your game. Ain't it evident I'm hating it? Yes. Mac for president, be in hell with gasoline joy. बहुत अच्छा said stop and tried to fist. I said well this suck my dick. I ain't white but I know my right. लेकिन हमें पता नहीं होता। अच्छा वैसे जो है ना एक चीज जो है हमेशा हम ये सुनते हैं भाई बॉलीवुड में जो है ना म्यूजिक डायरेक्टर ने उनकी ट्यून जो है वो कॉपी कर ली या मैं वैसे सही बात हूँ मोस्टली लोग ना कॉपी करना या जो है वो सैंपल लेना तो नहीं कहते, ज्यादातर यही लोग है चुरा ली। हाँ हाँ, ठीक है ना, ये वर्ड जो है ना मोस्टली जो है ना मैंने जो है ना इस्तेमाल करते हुए सुना है। लेकिन भाई मेरा ख्याल है कि म्यूजिक में जो है ना पूरी दुनिया एक दूसरे से इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ जो है ना वो करती रहती है। लेकिन ये वैसे मेरे लिए ना एक नया ही स्टाइल था, लाइक जिस तरीके से म्यूजिक एक पुराना या कुछ बोल उठाकर तो इस्तेमाल कर लेने, लेकिन ये वाकई में आप इंजॉय करते हो। हाँ वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह हमने देखा भाई 2002 के गाने, 2003, 2005, 2007 उस टाइम लिटरली मुझे नहीं था मालूम, लेकिन जो है भाई क्रिटिक्स को मालूम होता है कौन सा म्यूजिक जो है वो कहां से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कहां से कहां म्यूजिक जो है पहुंच गया। लेकिन अब आकर हाँ बॉलीवुड में अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि अब आकर जैसे हम देखते हैं जैसे डिस्को दीवाने गाना आया था उसमें अगर देखा जाए तो नाजिया सिंह जी की जो है वो आवाज इस्तेमाल की गई थी। अभी जैसे टिप टिप बरसा पानी हमने देखा उसमें जो पुरानी आवाज है जो है वो इस्तेमाल की गई, या उससे पहले वो एक और गाना आया था यार वो तम्मा तम्मा उसमें भी जो है वो इस्तेमाल की गई थी वो आते ना, लेकिन हमें उस टाइम पर आइडिया नहीं था। हाँ उस टाइम पे आइडिया नहीं था, लेकिन जो है ना तब आकर हमें पता चला, ये तो पता चल गया था कि भी पुरानी बातें जो ना वो इस तरह यूटिलाइज हो सकती हैं दोबारा से। बट मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो इतना ज्यादा ये आइडिया नहीं था कि काफी ज्यादा गाने जो वो इस तरह के बन रहे हैं, और मतलब स्पेशली इंडियन सॉन्ग्स को लेकर, क्योंकि कुछ गानों को तो सुना हुआ था, स्पेशली मुझे लगता है रील्स में आप इन गानों को बहुत ज्यादा जो है ना वो सुनते हो और हाँ, आपको थोड़ा आइडिया रहता है बिल्कुल। बट हाँ मैं ये बात बोलूंगी कि जिस तरीके से एक नई चीज आपके सामने आती है आप उसको एंजॉय करते हो, क्योंकि कुछ गाने तो बहुत ही मजेदार हैं और म्यूजिक बहुत ही अच्छा उनका। अभी मैं कल जो है बैठकर गाना सुना था तेरे मेरे बीच में कैसे ये बंधन अनजाना, वैसे गाना भी जो है वो बहुत अच्छा। वैसे लता जी के गाने तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो है मुझे जो है भाई एक चीज की खुशी हुई कि भाई म्यूजिक जो चैनल है इन्होंने जो है ना ऐसे गाने जो है निकाले जो बॉलीवुड से जो है इंस्पायर्ड हुए हैं, और उन्होंने जो है ना बल्कि मैं कहूँगा पूरे पूरे वो लिरिक्स जो है वो गानों में वैसे एज इट इज जो है उन्होंने डाल दिए। अच्छा वैसे ये भी वो लोग परमिशन लेते होंगे ना, प्रॉपर वो खरीदते होंगे फिर उसके बाद जो है इस्तेमाल करते होंगे। जो एंड वाला जो एलिफेंट वाला था ना वो मेरे लिए जो है ना वो काफी ज्यादा वो एक हैरान वाली चीज, क्योंकि उसमें बस म्यूजिक चेंज था। हाँ। बाकी सारा गाना तकरीबन वैसे ही उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था बिल्कुल। अच्छा आप लोगों से पूछना चाहूंगी भी कि मुझे तो मतलब इस तरह के गानों को क्या सैम्पल सॉन्ग्स बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने लिखा भी ना ओरिजिनल वर्सेस सैम्पल, या मतलब वो एक उदाहरण के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको इस तरह के गानों मतलब इस जॉनरे को क्या बोलते हैं, मैं एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो लोग म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको पता होगा। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि भाई कोई और बहुत अच्छा गाना जो आपको इसमें लगता होगा वो भी, वैसे अभी जो चोली के पीछे क्या उसमें जो करीना कपूर का आया उसमें भी तो तुम देखो ना कि पीछे ओरिजिनल वाली आवाज है ना, आवाज जो है वो बिल्कुल, हाँ तो वो भी नहीं, तो वो जो दूसरी वाली है मतलब जो करीना कपूर पे भी आवाज है, मतलब जो आवाज उन पर दर्शाई गई है। हाँ, हाँ तो वही कह रही हूँ, वो भी तो ओरिजिनल वाली है ना, तो वो भी आपको सुनने का मजा आता है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें ज्यादा वीडियो करें।